लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी को मारने की रची गई थी साजिश। एनआईए पूछताछ में आतंकी हैदर अली का खुलासा। 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में आत्मघाती हमले की तैयारी थी। ललित मोदी पर कार्रवाई करने की तैयारी में केंद्र सरकार। ईडी ने कसा शिकंजा। मॉरिशस सिंगापुर को लेटर। रोगेट्री भेजेगा ईडी। आईपीएल के मीडिया राइट की होगी जांच। ललित मोदी का एक और ट्वीट। बम वाड्रा के जरिए गांधी परिवार पर निशाना साधा। कहा डीएलएफ के साथ लुटियन जोन में जमीन सौदे में हुआ है 20,000 करोड़ का घोटाला। धौलपुर महल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी जंग। कांग्रेस का आरोप सरकारी संपत्ति पर। दुष्यंत सिंह ने लिया 2 करोड़ का मुआवजा। बीजेपी ने पेश किए मालिकाना हक के दस्तावेज। केजरीवाल ने केंद्र पर परेशान करने का आरोप लगाया। बजट भाषण में बोले पीएम नहीं देते मिलने का वक्त। बीजेपी ने कहा सुर्खियां बटोरने के लिए केजरीवाल लेते हैं पीएम का नाम। दिल्ली विधानसभा में वैट संशोधन बिल पास। पेट्रोल डीजल और शराब समेत 14 चीजों के बढ़ सकते हैं दाम। विधानसभा में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने फाड़ी बिल की कॉपी। पीएम मोदी आज करेंगे डिजिटल इंडिया की शुरुआत। मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल, अजीम प्रेमजी, बिल गेट्स समेत 400 कंपनियों के सीईओ रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम में करीब 10,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज। कृषि के लिए स्पेशल पैकेज पर लग सकती है मुहर। पीएम मोदी के मिशन इंडिया प्रोजेक्ट पर भी जारी हो सकती है गाइडलाइन। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे अपने ऊपर लगे आरोपों पर आज देंगे जवाब। चिक्की घोटाले और सिंचाई कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी का विपक्ष ने लगाया है आरोप। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को 1 घंटे तक रुकवाए रखने का आरोप। न्यूयॉर्क जा रहा था विमान। फडणवीस ने किया ट्वीट। तकनीकी कारण और एटीसी को ठहराया देरी का जिम्मेदार। यूपीए सरकार में कोयला राज्य मंत्री रहे दासरी नारायण राव ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर उठाए सवाल। कोल ब्लॉक आवंटन के सारे फैसले लेने का लगाया आरोप तत्कालीन कोयला मंत्री ने मनमोहन सिंह। पूर्व टेलीकॉम दयानिधि मंत्री दयानिधि मारन से आज सीबीआई कर सकती है पूछताछ। मारन पर 300 से अधिक टेलीफोन लाइनों को अपने घर में लगाने का आरोप। मद्रास हाईकोर्ट से कल मारन को मिली है जमानत। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों ने पेट्रोल में उड़ाए करोड़ों रुपए। आरटीआई से खुलासा। 15 साल में 7 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने 2 करोड़ 23 लाख रुपए सैर सपाटे में किए खर्च। बिहार चुनाव के बाद संसद के शीत सत्र में जमीन बिल पेश कर सकती है सरकार। मानसून सत्र में बिल नहीं लाने के संकेत। बिल पर बनी संसदीय कमेटी का कार्यकाल 1 हफ्ते बढ़ा। हाजीपुर में एमएलसी चुनाव के उम्मीदवार अजय कुशवाहा के समर्थन में रैली में पहुंचे रामविलास पासवान। लालू यादव पर हमला बोला। कहा लालू कब पैर पकड़ेंगे और कब गर्दन, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल। बढ़ सकती है शशि थरूर की मुश्किल। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में थरूर का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहती है पुलिस। टेस्ट के लिए कोर्ट से ली जाएगी इजाजत। आम आदमी को महंगाई से मामूली राहत। देर रात से पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती। पेट्रोल 31 पैसे और डीजल 71 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। जम्मू से 5,000 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे श्रीनगर। 2 जुलाई को करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में मोबाइल नंबर नहीं देने पर मनचलों ने लड़की पर किया हमला। पीड़ित के पिता और भाई पर भी कुल्हाड़ी से वार। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पूर्व सांसद कंवर लाल गुप्ता की बेटी के घर से 2.5 करोड़ की चोरी। वारदात के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब के दवा शहर में जमीन के लालच में एक बेटे ने की पिता की हत्या। शव के कई टुकड़े कर जंगल में फेंका। आरोपी गिरफ्तार। वारदात में शामिल नौकर की तलाश। गुजरात के मोरबी में पेपर मिल के रॉ मटेरियल में आग लगी। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पेपर मिल को भारी नुकसान की आशंका। सलमान खान हिट एंड रन केस में आज अहम सुनवाई। सलमान ने सेशंस कोर्ट में 5 साल की सजा सुनाने के खिलाफ दी है याचिका। हाईकोर्ट में जमानत मिलने पर रिहा है सलमान। आईएमएफ ने ग्रीस को घोषित किया दिवालिया। 1.6 बिलियन यूरो नहीं चुकाने के कारण फैसला। कल खत्म हुई थी ग्रीस की बेल आउट पैकेज चुकाने की मियाद। सरी देओल की फिल्म मोहल्ला 80 की रिलीज पर रोक। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने लगाया स्टे। फिल्म के डायलॉग्स पर विवाद के बाद फैसला।